Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Shailja the Fashion Queen. So guys, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको अपने आगे के हेयर्स पे कैसे स्टाइलिंग करनी है. तो उसके लिए आज मैंने कट किया है अपने बालों पे ये साइड स्वैप बैंग, जैसा कि आप इन क्लिप्स में देख सकते हो. तो आप अपने घर पर साइड स्वैप बैंग कैसे कट कर सकते हैं इजिली, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ. इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिए, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा. एंड मेक श्योर गाइस, आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए. सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाउ टू कट योर बैंग्स. सो बैंग्स में मैं स्ट्रेट बैंग्स नहीं कट कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ साइड स्वैप बैंग कट. सो आज मैं आपके सामने साइड स्वैप बैंग कट करूंगी और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है. बट शुरू शुरू में हम डरते हैं कि कहीं बाल गलत ना कट जाए, अगर गलत कट गए तो फिर स्टाइल ही खराब हो जाएगा आपका. वैसे तो मैं ये कट कर चुकी हूँ कई बार, बट आई थिंक अब मैं जो खुद से साइड स्वैप करने वाली हूँ वो 3 साल के बाद करने वाली हूँ. आप देख सकते हो कि ये बाल मेरे कितने ज़्यादा आगे आ जाते हैं, ये कितने ज़्यादा लॉन्ग हो चुके हैं. हेयर कट लिए हुए मुझे 8 मंथ हो गए हैं, जिसकी वजह से ये देखिए आगे के जो मेरे हेयर्स हैं वो कितने ज़्यादा लॉन्ग हो चुके हैं. 3 साल बाद कर रही हूँ तो थोड़ा सा डर रही हूँ. तो चलिए करते हैं स्टार्ट की कैसे करना है इसे. सो गाइस, आज ही मैंने हेयर वॉश किया था. तो आप भी ये याद रखिए, जब भी आपको हेयर कट करना हो तो जब आपके बाल धुले हुए हों उसके बाद ही हेयर कट कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे करना है. पहले मैं कॉम कर रही हूँ और मैं हाफ क्लच करूँगी अपने बालों को, जैसे कि मुझे अपने हाफ क्लच के बाद अपने साइड स्वैप चाहिए हैं वैसा मैं करूँगी. तो उसके लिए मैं थोड़े से बाल आगे ले रही हूँ जितने मुझे कट करने हैं. इस तरह से पहले मैं करूँगी एंड यस, फिर इसको मैं इस तरह से कर ले रही हूँ. एंड इस साइड से भी हमें चाहिए हैं. एंड उसके बाद बाकी बालों को ऐसे पीछे कर देना है और उसके बाद हमें क्लच कर लेना है इन्हें. तो इतने ही बाल मैं ले रही हूँ एंड अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ ताकि ये इक्वली लगे. अब क्या करना है, अभी हमें इसे शार्प कर लेना है थोड़ा सा. देखिए ना, थोड़ा सा अनयूजुअल सा है. सो मैं इसे थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में हमें इसे करना है. इसे हमें कुछ ट्रायंगल शेप में करना है. एक ट्रायंगल बनाते हुए हमें अपने बाल लेने हैं आगे और इस तरह से मैं फिर से क्लिप से सिक्योर कर ले रही हूँ. यस, एंड देन इस साइड समथिंग स्ट्रेट लाइन हो गई है. एंड इस साइड से भी मैं थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में ही ले रही हूँ. आप देख सकते हो इस साइड से भी मैंने इस तरह की स्ट्रेट लाइन कट कर ली है. एंड इस तरह से हमें कॉम कर लेना है फिर से और जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन आई हुई है बस उसी पे फोकस करना है. बाकी सारे बाल हमें इस तरह से पीछे ले लेने हैं. तो गाइस, आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने ये किया है यहाँ से. एंड ये समथिंग ट्रायंगल शेप में आपको बाल इस तरह से ले लेने हैं. एंड मैं मोस्टली अपने बालों को लेफ्ट साइड रखती हूँ, बट अगर आप अपने बालों को इस राइट साइड इस टाइप से रखते हैं तो आपको जो बैंग कट करनी है वो इस साइड से इस तरह से कैची चलाते हुए करनी है. तो आप समझ गए गाइस कि अगर आपको अपने हेयर्स लेफ्ट साइड रखने हैं तो आपको इस तरह से कैची चलानी है. एंड अगर आप अपने हेयर्स को राइट साइड इस तरह से रखती हैं तो आपको कैची ऐसे चलानी है. सो मैं रखती हूँ लेफ्ट साइड, तो मैं लेफ्ट साइड में चलाऊंगी. इस टाइप से आपको पकड़ना है, यूं आप देख सकते हो. एंड मैं सबसे पहले नीचे से स्टार्टिंग करूंगी, क्योंकि अगर आप ऊपर से कर देंगे ना तो आपके बाल शॉर्ट हो सकते हैं और आप जैसा चाहते हो वैसे क्या पता कट भी ना हो और वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाए.
तो हम जो पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे वो हम नीचे से करेंगे और इसी तरह से हमें करना है। ये देखिए, यूं कैची पकड़नी है एंड सबसे नीचे के बालों को इस तरह से करना है, देन फिर इस तरह से थोड़े बाल आपको निकालने हैं ताकि एकदम से आपको पता चल जाए कि आपको किस तरह से ये स्लाइड करनी है इस तरह से। और फिर थोड़े से बाल और ले लो एंड यस, जितनी भी आप इस तरह से एंगल बना सको, साइड एंगल, यस। तो इस तरह से आप देख रहे हो ये मैंने कट किए हैं। अब ये काफी लॉन्ग है, मैं बस आपको समझा रही थी कि आपको नीचे से स्टार्ट करना है। सो अब मैं फिलहाल तो इन्हें छोड़ती हूँ, मैं ऊपर से ही कट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है अच्छे से पकड़ लूँ, मतलब आपको टाइटली पकड़ने हैं बाल, बस थोड़े से खुले हुए होने चाहिए ताकि इस तरह से एंड देन जितने भी लॉन्ग आपको साइड में रखने हैं दूसरी साइड, तो इस तरह से आपको ये साइड बैंग्स कट करने होते हैं, आप देख सकते हो। एंड गाइस, मैं इसे थोड़ा सा और शॉर्ट करूंगी तो आपको ये लेंथ देखनी है कि आपको कहाँ पे लेनी है। तो मुझे ना अपना जो फर्स्ट हेयर चाहिए है ना, मतलब फर्स्ट कट चाहिए, वो यहाँ से चाहिए है। एंड देन आपको इस तरह से जितना लंबा यहाँ रखना है वो रखना है, तो मैं लास्ट तो यहीं रखने वाली हूँ मोस्टली यहाँ पे, एंड मैं आगे के कुछ बालों को ज़्यादा एंगल में कट करने वाली हूँ। सो इस तरह से देखिए, ये बहुत अच्छे से शेप में आएंगे जब आपका हेयर वॉश हो चुका होगा एक से दो बार। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेती हूँ। हल्की हल्की आपको इस तरह से कैची चलानी होती है नीचे के बालों पे ताकि मतलब एकदम स्ट्रेट कटिंग ना दिखे कि आपने जो कोई स्ट्रेट कटिंग करी हुई है, नेचुरल सा लुक आए। तो मैं वही कर रही हूँ। सो गाइस, इस तरह से मैंने ये साइड स्वेप्ट बैंग कट कर लिया है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको साइड स्वेप्ट बैंग कट करने होते हैं। एंड गाइस, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत ही इजिली समझ में आ जाएगा। एंड गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि वो कैसे कट कर सकते हैं अपने साइड स्वेप बैंग को, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े और मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। एंड गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।